यार एग्जैक्टली 12 से 13 दिन बाद वीडियो आ रही मेरे चैनल पे, बट आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर हफ्ते 3 से 4 वीडियो जरूर लाऊंगा मेरे चैनल पे। आज से वो वीडियो शॉर्ट्स हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, बट यार वीडियोस इंटरटेनिंग और एजुकेशनल दोनों तरह की आएंगी। तो शॉर्ट्स को देखे रहना और लॉन्ग वीडियोस के लिए भी रेडी रहना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। अब यार मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज वीडियो में मैं 3 चीजों को अनबॉक्स करूंगा। ये तीनों चीजें हर यंगस्टर के पास होती है, बट सब लोग ड्रीम करते हैं कि ऐसी हो। मुझे आपका तो नहीं पता, बट मेरा ये ड्रीम था कि मैं ये चीजों को खरीदूं। सो यार तीनों चीजों के बारे में बात करने से पहले आई होप आपने रीसेंट वीडियोस देखी होंगी एंड आपको पता होगा कि मैं पुणे शिफ्ट हुआ था। तो पुणे में मैंने एक फ्लैट लिया था रेंट पे, उसका टूर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। अब यार मैं पुणे से एक दूसरी सिटी में आ चुका हूँ, जिसको पता हो वो कमेंट करके बताना, और जिसने सही कमेंट किया, जिसने सही गेस किया, उसको एक टी-शर्ट फ्री मेरी तरफ से। और यार जिस सिटी में मैं आया हूँ यहाँ पे मैंने एक दूसरा फ्लैट लिया है, तो फ्लैट के साथ साथ जो पहला आइटम है वो हम लोगों को मिला था। पहला आइटम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस पहला आइटम है ये चेयर। ये चेयर मुझे फ्लैट के साथ मिली थी। सो यार ये चेयर वैसे तो काफी सही थी, बट ये की टेबल की हाइट के हिसाब से सही नहीं थी। तो जब मैं काम करता था लैपटॉप में तो कंफर्टेबल नहीं था, और नीचे से फटी भी काफी थी। तो यार मैंने सोचा एक दूसरी चेयर लेते हैं, एंड यही अपना पहला आइटम है। अब चेयर जो नॉर्मल वाली है आपने मेरे घर में देखी होगी, वो ब्लैक कलर की है, वो आराम से आती है 5,000 की, अच्छी चेयर आ जाती है, ठीक है। बट क्या हुआ कि छोटे से काफी यूट्यूबर्स को देखा था, सबके पास गेमिंग चेयर है, और वो चेयर बहुत सही भी होती है, 3-4 साल आराम से चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जो मेरी ब्लैक वाली चेयर है वो भी थोड़ी सी लूज हो गई है, जबकि यार अभी उसे कुछ 1.5 ईयर ही अप्रॉक्स हुआ है। तो मैंने सोचा एक गेमिंग चेयर लेते हैं, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे बट ये 3-4 साल का काम हो जाता है। सो यार चलो फिर इस वाली चेयर को हटाते हैं और फर्स्ट आइटम आज का रिवील करते हैं। उसके बाद दो तगड़े आइटम्स की अनबॉक्सिंग है, बिना उसको देखे मत जाना। सो यार हेलो एवरीवन, ये अपना फर्स्ट आइटम और ये दोनों है अपने सेकंड और थर्ड आइटम। पहले फर्स्ट आइटम आपको शो कर देता हूँ। सो यार ये अपनी गेमिंग चेयर, और ट्रस्ट मी मेरा बहुत टाइम से सपना था कि मैं गेमिंग चेयर को लूं। अब यार इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये चेयर बहुत कंफर्टेबल है, कलर भी यूनिक है, और मैंने यहाँ पे एक फर्नीचर मार्केट है वहां से लिया है। मेरे कुछ कॉन्टेक्ट थे, कुछ लोग थे जो मुझे जानते थे, एक बंदा था जो मुझे यूट्यूब से जानता था, उसका भी यूट्यूब चैनल था, तो उसमें काफी डिस्काउंट मुझे मिला। इसकी कॉस्ट थी 13.5K के अप्रोक्स, और ये मुझे पड़ी है काफी सस्ती। अब वो गेस करो आप लोग कितने की पड़ी है, मैं कमेंट्स में रिवील कर दूंगा, कमेंट को चेकआउट कर लेना। इसकी कॉस्ट और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट की। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई है 2 लैपटॉप्स के ऊपर। एक स्लैंग लैब से मुझे मिला था जब मैंने उसे ज्वाइन किया था, एक मुझे सीयर से मिला। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप कंपनी को छोड़ते हैं वैसे ये लैपटॉप आपके हाथ से चले जाते हैं। तो अब मैंने सोचा एक तगड़ा लैपटॉप खुद से लेते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे पास मैकबुक एयर है पहले से, वो मैं आपको शो करता हूँ। तो यार ये मैकबुक एयर है जो मैं पिछले 4 साल से अप्रोक्स यूज कर रहा हूँ, बीटेक के फर्स्ट ईयर में लिया था। इसने मेरी काफी मदद करी यार, 1,000 से ज्यादा वीडियो इसमें रेंडर करी है, जो भी सीखा है सब कुछ इससे सीखा है, मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है यार ये। अब क्यों नया लैपटॉप लिया, उसके पीछे 2 रीजन थे। पहला, इसकी बैटरी खराब हो गई थी, उसको चेंज करने के लिए 22,000 रुपए लग रहे थे, तो मैंने सोचा नया ले लेते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर लैपटॉप में 4K वीडियो रेंडर नहीं होती है। अगर मैं 4K वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूं वो अगर मैं इसमें डालूंगा तो रेंडर नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। बट ये फेवरेट लैपटॉप है, जो भी ट्यूटोरियल वाली वीडियोस आएंगी जिसमें कैमरा छोटा होता है, ट्यूटोरियल होती है, क्योंकि लैब्स का सोल्यूशन, लैब का सोल्यूशन, वो सब इसी से आएगा। आज भी इसका कैमरा बहुत प्यारा है। तो अभी इसको रखते हैं साइड और अपने सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। इनके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट चीज, ये जो लैपटॉप है कौन सा मैं आपको रिवील करता हूँ, बट इसकी कॉस्ट है 1,34,000, बट मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट का यूज किया, आई थिंक उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे आपके काफी पैसे बचते हैं और आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलता है। एज यू नो ये एप्पल के, तो एप्पल का स्टूडेंट ऑफर चलता है। तो ये लैपटॉप मुझे 10,000 कम कॉस्ट पे पड़ा, मतलब 1,24,999 का ये लैपटॉप पड़ा। उसके साथ ये एयरपॉड्स फ्री मिले। कैसे मिलते हैं, मैं तो अब स्टूडेंट नहीं हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट स्टेटस को वेरीफाई करके ये स्टूडेंट ऑफर को अवेल कर सकते हैं। कैसे, 2 चीजें होनी चाहिए। आपके पास .edu वाला ईमेल होना चाहिए जिससे आप यूनि डेज में अकाउंट बनाते हैं, और सेकंड मोस्ट वन पॉइंट, आपके पास कॉलेज की आईडी होनी चाहिए। सो यार मेरे पास ये दोनों चीजें थी, आईडी भी थी, ईमेल भी था, बट क्योंकि अब मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, 2023 में मैं पास आउट हो गया हूँ, तो मेरा ईमेल नहीं चला। सो यार मैंने अपने कॉन्टेक्ट में पता किया, तो एक बंदे ने मुझे अपना ईमेल दे दिया जो यूनि डेज में था। यूनि डेज क्या होता है, यूनि डेज से जाके वेरीफाई होता है आपका स्टूडेंट स्टेटस, आपको बस उसमें अपना अकाउंट बनाना होता है, तो सारे आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखने लगते हैं। ये मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो कॉमेंट करके बता देना। तो उस बंदे ने मुझे अपना ईमेल दिया, और फिर आखिरी वाले स्टेप में जब आप ऑर्डर कर देंगे, मैं यहाँ पे एक वीडियो शो कर दूंगा, जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस आखिरी वाले स्टेप में आपसे आईडी भी मांगते हैं। ऐसे मानिए 2 केसेस हैं। पहला, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना ईडीओ वाला ईमेल यूज करना और अपनी आईडी यूज करना कॉलेज वाली। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप किसी और के बिहाफ पे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने
उस बच्चे के नाम पे ले लिया है, ठीक है। मेन नाम अपना ही लगता है, मेन नाम मेरे ही लगा है आयुष पांडे, बट ये कि आप किसी और के नेम पर भी ले सकते हैं, मतलब किसी और का स्टूडेंट बेनिफिट्स को भी अवेल कर सकते हैं, सिंपल चीज ये। तो यार मैंने पहले उसके ईमेल से यूनिडेज में अकाउंट बनाया .edu वाले ईमेल से, और फिर जब आप ऑर्डर कर देंगे तो आपको आखिरी में उस पर्टिकुलर बंदे का स्टूडेंट आईडी भी डालनी होगी। दो तीन ऑप्शंस होते हैं, मैंने स्टूडेंट आईडी डाली थी उस पर्टिकुलर बंदे की जिसके बिहाफ पे आप ले रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को यूज करना, स्टूडेंट हो तो अपना ही यूज कर लेना। तो बेनिफिट क्या हुआ, 10,000 कम हुए लैपटॉप में, उसके साथ साथ 20,000 के पॉड्स मिल गए थर्ड जनरेशन एप्पल के। तो ये बहुत कूल चीज है, मेरे पास आईफोन थी, पॉड्स थे भी नहीं, तो पॉड्स हो गए, मजा आ गई। चलो पहले थर्ड आइटम को अनबॉक्स करते हैं, फिर मेन लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे और आपको बताते हैं कौन सा लैपटॉप है। सो चलिए शुरू करते हैं। डिलीवरी हुई है ब्लू डार्ट से, आज ही हुई है, पूरा सील पैक है, ऐसा कुछ है अंदर से। आप एयरपोर्ट्स हैं, असेंबल्ड इन कैलिफोर्निया, ये इमेज है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कॉस्ट लिखी है 20,000 और चार्जिंग केस एक है, केबल एक है। तो चलिए इसको खोलते हैं। यो। इसमें डॉक्यूमेंट्स है सारे, ठीक है, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, और यहाँ पे जो मैंने नाम लिखवाया था बीटेक कॉमर्स वाला, मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये देखो बीटेक कॉमर्स वाला लिखा है, यही मैंने लिखवाया था। आप कुछ भी लिखवा सकते हैं जो आप चाहें, किसी को गिफ्ट करें तो उसका नेम लिखवा सकते हैं। पहली बार मैंने पॉड्स मतलब सच में यूज भी नहीं करे कभी, मतलब ये वाले एयरपॉड्स, बाकी नॉर्मल पॉड्स तो यूज करें। काफी ज्यादा कूल फिनिश होता है यार, सोचो पॉड्स इतने प्यारे हैं तो लैपटॉप कितना प्यारा होगा। और जानते हो मैंने सबसे बड़ी इंच वाला मंगाया है, लाइक तीन आते हैं वेरिएंट लैपटॉप के, 13, 14, 15, तो मैंने 15 इंच वाला मंगाया है। ये भी डिलीवर ब्लू डार्ट से हुआ है, खोलते हैं। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ, अगर डिलीवर ना हो तो रिटर्न कर दो जहां से आया है। मेरा एड्रेस लिखा है, एक क्वांटिटी है। अब खुल जा भाई, मेरा मन हो रहा है चाकू से फाड़ दें, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज भी नहीं है और ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। अबे यार डिब्बा अच्छा होता है, फाड़ी देते ना, फाड़ी देते। ओहो, तो यहाँ पे जो मैंने आपको कॉस्ट बताई 1,34,900 लिखा है। अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कौन सा लैपटॉप है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यार अपना लैपटॉप है 15 इंच मैकबुक एयर विद एप्पल M2 चिप। अब मैंने मैकबुक एयर क्यों लिया ये भी बता देता हूँ। मेरा प्लान था मैकबुक प्रो लेने का, बट दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जो मुझे काम करना है वो सारा मैकबुक एयर में हो रहा था, और जो मैं मैकबुक प्रो ले सकता था, क्योंकि पापा ने कहा था 1,00,000-1,50,000 इतने का ही लैपटॉप लेना, इससे महंगा मत लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि पापा पे करते हैं, बट ये होता है ना कि पापा से हर चीज पूछी जाती है कि सही है कि नहीं, क्योंकि यार पैसा तो घर का ही है। तो उन्होंने कहा था कि 1,50,000 से ज्यादा का मत लेना। और यार ये पड़ा है 1,25,000 का, बाकी मैकबुक प्रो के जो दोनों वेरिएंट हैं, एक पड़ा रहा था 1,84,000 का, 1,84,000, और एक पड़ा रहा था कुछ 2,00,000 का, ठीक है। तो मेरे बजट में यही आ रहा था। फिर मैंने कंपेयर किया मैकबुक प्रो का जो पहला वाला वेरिएंट था 13 इंच है या 14 इंच है, उसको कंपेयर किया मैकबुक एयर 15। ये मैकबुक एयर का बेस्ट है और वो मैकबुक प्रो का सबसे छोटा वाला था। तो मैंने क्लियरली देखा कि मैकबुक एयर 15 इंच जीत रहा था मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और मैंने काफी वीडियोस देखी, सब लोग उसी को जिता रहे थे। तो मैंने फिर फाइनल किया कि यही लैपटॉप ले लेते हैं, बजट में भी है, मेरे सारे काम भी कर देगा, प्लस 15 इंच है यार, तो जो बड़ी स्क्रीन का चाहिए था वो भी हो जाएगा काम। मैं ये भी सोचा था कि डेस्कटॉप ले लेता हूं, बट डेस्कटॉप में प्रॉब्लम ये कि अगर मानो मैं ये सिटी को मूव करता हूं, जैसे मैं पुणे से यहां आया हूं, अब मैं यहां से कहीं और जाता हूं, तो फिर डेस्कटॉप को ले जाना बहुत प्रॉब्लम होगी, लैपटॉप बेस्ट है यार। तो इसीलिए फिर मैंने ये पर्टिकुलर लैपटॉप डिसाइड किया। अब चलो इसको खोलते हैं, ऐसा कुछ है यार। भाई डेटा केबल बहुत ही सही है, एक तरह से जैसे जीन्स का कपड़ा होता है उस तरह का है, काफी प्यारी फिनिश है यार, मतलब नॉर्मल जैसा तो है ही नहीं, जैसे नॉर्मल केबल होता है, जैसे नॉर्मल केबल ये होते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि भाई लगता है यार कि मैकबुक है, एप्पल का है, एप्पल बहुत पैसा खर्च करता है हर चीज में। सो ये वही डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया डॉक्यूमेंटेशन, ये अपना अडैप्टर है, सेम वैसे ही जैसे पहले वाला था। अब इसको हटाते हैं, अब जो मेन चीज है उसको अनबॉक्स करते हैं, तो इसको खोल के देखते हैं कैसा है। भाई भाई साहब कितना बड़ा है मेरे वाले से, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। इसको हटाते हैं, नहीं इसी पे रखते हैं, गंदा हो जाएगा। जैसे ओपन किया खुल गया, यहाँ पे ये पन्नी चढ़ी हुई थी, इसको हटा दिया। सो यार स्टार्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से हेलो लिख के आया, भाई कैमरा देखो यार। सो यार ये अपनी तीनों चीजें थी, और इसमें मैं बाकी चीजें बाद में सेटअप करता हूँ, पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।